और मौसम के बाद अब बात करते हैं महंगाई की। इसका असर साफ तौर पर सब्जी मंडियों में दिख रहा है। जयपुर की सब्जी मंडी में क्या कुछ हालात हैं, आइए आपको दिखा दें। सर्दी के सीजन में भी सब्जियों पर महंगाई का तड़का लगा हुआ है। आमतौर पर सीजन होने से नवंबर माह में कीमतें कम होती हैं, लेकिन सितंबर और अक्टूबर में बदले मौसम ने सारा गुड़ा गणित गड़बड़ा दिया है। स्थानीय प्याज की आवक घटने और नासिक से प्याज की आपूर्ति कम होने से प्याज की कीमतें सेंचुरी लगा रही हैं। प्याज और लहसुन की जबरदस्त तेजी के बीच सब्जियों के राजा आलू भी 20 रुपए प्रति किलो के पार है। वहीं मिर्च 25 से 40 रुपए प्रति किलो, फूल गोभी 20 से 35 रुपए प्रति किलो, खीरा 20 से 60 रुपए प्रति किलो, धनिया 50 से 80 रुपए प्रति किलो, प्याज 80 से 100 रुपए प्रति किलो, लहसुन 119 से 220 रुपए प्रति किलो, पालक 25 से 30 रुपए प्रति किलो, अदरक 60 से 80 रुपए प्रति किलो, नींबू 50 से 70 रुपए प्रति किलो चल रही है। नासिक में मौसम खराब होने से काफी बारिश वारिश होने से प्याज की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। और जो नई फसल प्याज की स्टार्ट होने वाली थी झालनापाटन से, जो कि कोटा के आगे झालावाड़ से, वे फसल अब लेट हो गई है, जिसके कारण प्याज के दामों में काफी बढ़ोतरी हुई है। और नया प्याज जो अलवर और अजमेर से स्टार्ट हुआ है, जिसकी आवक अभी कम है, एक ये भी एक बड़ा कारण है कि आवक कम होने से प्याज के दामों में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा सीधा भार आम उपभोक्ता के ऊपर पड़ रहा है और आम जनता के ऊपर पड़ रहा है। सब्जी की कीमतों में तेजी का असर दाल की कीमतों पर भी है। दाल की कीमतों में लगातार तेजी देखी गई है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि इस बार मांग के मुकाबले आपूर्ति बेहद कम रही, जिसकी वजह से सब्जी बिजाई रकबा घटता रहा। वहीं खराब मौसम से औसत उत्पादन में भी कमी दर्ज हुई है। प्याज की आवक कम है, इस वजह से तेजी है। आने वाले दिनों में कुछ सुधार होने की उम्मीद है। बरसात नहीं है, मौसम सूखा रहा, साफ रहा, तो आवक ज्यादा हो जाएगी, तो उससे भाव में फर्क पड़ेगा। अब ग्राहकों को उम्मीद है मौसम से कि मौसम ठीक रहे, ताकि उनकी थाली का जायका खराब ना होने पाए। प्याज को बिना काटे ही उपभोक्ताओं को आंसू आ रहे हैं, क्योंकि कीमतें 100 के पार पहुंच गई हैं। नासिक से आवक बेहद कम है, यही वजह है कि प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी मुहाना में भी व्यापारियों ने अब प्याज को मंगाना कम कर दिया गया है। इस महीने तक असर दिखने की उम्मीद है। कारोबारियों और उपभोक्ताओं दोनों को आस है कि दिसंबर माह से स्थानीय आवक सुधरेगी और कीमतों में कमी आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।